सभी विद्यार्थियों का अब इंतज़ार समाप्त होने वाला है। वे विद्यार्थी जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज हम यहाँ एसएससी के बारे में दिखाएंगे कि नई दिल्ली के कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की तरफ से जो यहाँ पे एमटीएस के माध्यम से एमटीएस के तहत 2020 के भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो 2 फरवरी से यह नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो हम समझ रहे हैं इस बात को कि पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी जो है, जो भी अभ्यर्थी हैं यहाँ अभी तैयारी में लगे हुए हैं, वैसे अभ्यर्थी आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट में आप समझ रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.b.nic.in पर वे लॉगिन कर सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इस भर्ती में जो भी पद है, इस पदों पर भर्तियां की जाएगी। और ऐसे भर्तियां जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ आपके इस वीडियो पे दिया गया है, वीडियो पे आप यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि अभ्यर्थी आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी मैंने बताया, जिसका ऑनलाइन आवेदन 2 फरवरी से ही लिया जाएगा। और आवेदक, वैसे आवेदक का जो पूरा स्टेप्स जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया जाएगा। इस तरह से जो भी जानकारियाँ हैं, वे सारी जुड़ी हुई जानकारियाँ, अधिक से अधिक जानकारी जो अभ्यर्थी लेना चाहते हैं, आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकेंगे। इन पदों पर जो भर्तियां होगी, ऐसे इन पदों पर भर्तियों के साथ साथ यह लिखित परीक्षा 1 जुलाई 2020 को लेने की संभावनाएं हैं। और आप यहां पाएंगे कि 1 जुलाई 2020 को यह लिखित परीक्षा के रूप में आप परीक्षा दे पाएंगे। जो अभी ऑफिशियल वेबसाइट के रूप में, जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया कि www.ssc.b.nic.in पे आप लॉगिन करके इसको देख सकते हैं। आपको यह बात हम बता देना चाहते हैं कि पहले, इससे पहले जो आयोग है, आयोग की तरफ से 2019 के जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के 10,000 पदों पर भर्तियां की गई थी, उसमें से 2019 में जो एसएससी द्वारा निकाली गई एमटीएस के करीब यहां भर्तियां जो हुई थी, उसमें 38.58 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। और जिसके ऐसे अभ्यर्थी जो अनुमानतः 38.5 लाख अभ्यर्थियों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके तहत नॉन टेक्निकल के रूप में आप देखेंगे यहाँ पद के रूप में, जैसे जमादार है, जूनियर गेटनर है, ऐसे ऐसे करके भर्तियाँ होने वाली है। तो आप मेरे, आपको इस वीडियो देखने के लिए